माशाल्लाह माशाल्लाह, अंडा लिया है मैथ्स के अंदर। बेचारे बच्चे कैसे हंस रहे हैं। मिस देखिए मत हंसो मेरे पे। साइलेंस क्लास। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं प्यार के सदके का एपिसोड 1 का रिएक्शन। सो प्यार के सदके की हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें हमने सारे कॉमेडी सीन्स का रिएक्ट किया था, तो वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आप लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। और सब लोगों का यही कहना था कि आपको उसके एपिसोड फुल एपिसोड देखने चाहिए, कि ये बहुत ज्यादा ही फन ड्रामा है और इसे छोटे सीन्स में ज्यादा समझ नहीं आता। तो हमने सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए। और साथ में एपिसोड 1 जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें पता लग जाती है कि ये कहाँ जा रहा है। और खासकर पाकिस्तानी शोज में तो मैंने देखा है कि एपिसोड 1 में तो बहुत ज्यादा जान लगाई जाती है। तेरे बिन का भी एपिसोड 1 बहुत कमाल का था और वहीं से आपको एक पूरी डायरेक्शन दी जाती है। सो देखते हैं फिर इसका एपिसोड 1 कैसा है। और मैं भी इसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पहले, वो भी काफी ज्यादा फनी था। और पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हम लोगों ने तेरे बिन भी ऑलमोस्ट पूरा ही देखा था, वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। तो प्यार के सदके दिखता है कि ये कैसे होने वाला है। और इसमें आई थिंक वही एक्ट्रेस है जो तेरे बिन में भी थी शायद, मुझे जहां तक लगता है, बाकी वो देखकर ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मस्त इंट्रो है, ट्यूब लग रही है। हाँ, एंड इसमें शायद थोड़ी सी ऐसा है, मतलब शायद मेंटली थोड़ी सी चैलेंज है, ऐसा कुछ है ना उसमें, देख के ऐसा लगता या बचपन अच्छा? आया आप कह सकते हैं। ये स्कूल में अभी वाह, और कितना जेनेरिक क्लासरूम दिखाया गया है। इंडिया में स्कूल दिखाते हैं ना एकदम ऐसे दिखाएंगे जैसे जो आज तक कभी देखे ही नहीं। चले भाई, स्कूल का रिजल्ट तो आप सबका आ गया है, अब देखना ये है कि बोर्ड के एग्जाम्स में आप सब क्या तीर मारती हैं। खैर जी, तो हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट आई हैं। कोई बता सकता है कौन आई है फर्स्ट? माजवी, 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 जी माजवी, आइए, प्लीज आइए माजवी। फर्स्ट आती है हर बार, वाह यार, कितनी खुश हो रही है। हाँ, ओहो, अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ खड़ी हुई है ना? हाँ हाँ, आपको ही बोल रहे हो, प्लीज प्लीज आइए। ओह पे खड़ा कर दिया उसको, ये लीजिए। वाह यार, वाओ, माजवी तो फुल पड़ाकू है, है ना? ये कौन है? अच्छा, ये लड़की को ये लड़का अच्छा लगता है। ओ ये पता, तेरे बिन में वो लड़की थी, ये वैसी ना हो। सपने देख रहा था लड़कियों को इम्प्रेस करने के। ओहो, अच्छा ये भी सपने ही देख रही है भाई। माजवी मतलब वो फर्स्ट ही आई है। हाथ नीचे कीजिए। माजवी, लगता है इस साल भी तुम्हारा हमारे साथ रहने का इरादा है। फेल, फेल हो गई हो तुम इस बार भी। हैट्रिक कर लिए तुमने, फेल हो गए। देखिए मुझे चिढ़ा रही है, क्यों ताली मारी तुमने? माजवी झगड़ा नहीं करो, एक तो वैसी पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, ऊपर से निजाम देखो अपना, सुभान अल्लाह। क्लास साइलेंस, नीचे उतरिए बिचारी। सबके अरमान तो अच्छे ही होते हैं, मतलब ये दोनों सपने देख रहे थे। हाँ, वो लड़का वो लड़की के सपने देख रहा है और बहुत अच्छा होने के, एंड मैच भी तो फर्स्ट आने के सपने देख रहे हैं। अपनी अम्मा से कहो तुम्हारी शादी करा दें, वैसे भी तुमने पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लेना है। ओ, ऐसा क्या मतलब हुआ? वैसे भी माजवीन बोर्ड के एग्जाम्स में ना सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पास किया जाता है जो सारे सब्जेक्ट में पास हो, और आपने तो फेल होने की कसम खा रखी है ना? लेकिन मिस मैंने तो बड़ी मेहनत की थी। ये मेहनत है माजवीन, सारा रट्टा लगाया हुआ है, देखो इसीलिए तो सारे सब्जेक्ट्स के ना 23-24 से ज्यादा तुम्हारे मार्क्स नहीं है। और मैथ्स में देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अंडा लिया है मैथ्स के अंदर। बेचारे बच्चे कैसे हंस रहे हैं। मिस देखिए मत हंसो मेरे पे। साइलेंस क्लास। चले जाइए अपनी सीट पे जाके बैठिए। बेचारी, जाइए माजवीन, मुझे तो दया लग रही है इस पर। माजवीन ये सही तरीका है, बदला तो लेना बनता है जी स्टूडेंट्स। खैर, तो अब हम अनाउंस करेंगे जो इस साल वाकई में फर्स्ट आई हैं, और उनका नाम है, ये फेल होता है कि फर्स्ट आता है, आयशा खान। Can you see what I can see? ये आयशा खान। फोर CGPA में फर्स्ट कौन आता है भाई?
निपटाऊ यार, मुझे फोन अच्छा 5 GB में से होगा। और ये बेचारा लास्ट, ये भी फेल हो गया। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। फसूल में तुमने इतनी टेंशन ली हुई थी और मुझे भी टेंशन दी। अच्छा सुनो, ट्रीट तुम दोगी? हां। पर हमेशा पता है रैंकर लड़कों को मिल, सॉरी फेलियर लड़कों को रैंकर लड़कियां मिल जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, पर यहाँ तो उल्टा ही होगा शब्दों के नाम पर लगता है। बोले ये कौन है? बदला लेने आई है ना, वो गिरी थी इसके ऊपर। यार मैच भी बहुत क्यूट है यार, है ना? हो जाए फिर। ओ, हो जाए। भागोगे तो नहीं? नहीं नहीं, दरवाजा बंद कर दूं? जाओ। ये भागेगी? हाँ। ये सारे जो थोड़े बेबीज कैरेक्टर होते हैं ना, यमुना जैदी के ऊपर ही बेस्ट लगते हैं, है ना? क्योंकि इसका बेबी फेस भी ऐसे है। वाह, ये कौन सी जगह है? अरे गुस्से की बच्ची का फैट शेप नहीं करते। थैंक यू जरा इस मजनू से तो मुबारकबाद लें। देख रही हूँ सुबह से तुम्हें ही देख रहा है। हाय हैंडसम। ओह हाय। इंट्रोवर्ट्स का बहुत फायदा उठाती हैं लड़कियां। आई एम फाइन, यू टेल मी। ओह गुड। रिजल्ट में क्या आया? फेल। हमेशा की तरह सिर्फ मैथ्स में टॉप किया है ना? पर मैथ्स में टॉप करा तो अच्छी बात है यार। इस साल भी रिपीट करोगे? ये रिपीट क्यों करेगा फिर अगर पास है? कोई बात नहीं, बट यू नो आई रियली सिर्फ मैथ्स में टॉप किया। अच्छा, बिजनेस में क्यों फंस गए? नहीं नहीं, मेरे डैड चाहते हैं मैं बिजनेस में आऊं फ्यूचर में। अरे डैड, अब्दुल्ला फोन नहीं उठा रहा, फेल हो गया होगा। अल्लाह ना करे, फेल नहीं हो सकता, मैंने उसे बड़े ट्यूशन दिलवाए इस दफा। ट्यूशन से कौन फर्स्ट आता है? पढ़ता तो है बेचारा। कुछ नहीं पढ़ता, सिर्फ किताबें देखता है। किताबें देखने में और पढ़ने में फर्क है। इससे तो बेहतर था आप उसे मैथमेटिक्स में ना मास्टर्स करने देते। सही बात है, सही बात। बिजनेस में मास्टर लेके क्यों जरूरत है? जो बिजनेस नहीं संभाल सकता वो मैथमेटिक्स में मास्टर्स करेगा? गलत। कम ऑन यार। और जिसने टॉप किया मैथमेटिक्स में तो फिर मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, और उससे दुआ करो कोई बच्चा पैदा हो जो कि बिजनेस संभाले। देखा, आई न्यू इट, मेरी ढलती हुई उम्र ना कभी ना कभी आपको तंग जरूर करेगी। बहुत प्यार से बोल रही है, वैसे मार दे लेडीज, है ना? दीवार बन के ना हमारे बीच खड़ी हो जाएगी। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, राइट? नहीं नहीं, दैट्स नॉट व्हाट्स हैपनिंग। आई विल टेल यू व्हाट्स हैपनिंग। तुम्हारा पेट रोमांस से कभी नहीं भर सकता। तुम हर वक्त चाहती हो मैं तुम्हारी तारीफ करूं। That's what's happening. I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की। सुने? लड़की। लड़की। Wow, thank you. ये मुझे ना वो एक पाकिस्तानी वीडियो है, आंटी कैसे बोल दिया मेरे को वो याद आ गई। यार तो मेरी शादी मुझे लगता है इन अंकल और यमुना से इतनी का कुछ चलेगा, क्योंकि शायद हम लोगों ने देख रखा है। हाँ। है ना? रिजल्ट बताओ। फिर से लुढ़क गई। ऐसे कौन बोलता है? सांस तो लेने दे, आते चढ़ाई शुरू कर दी है। ये समझ में नहीं आता माजबीन, तुम मेहनत क्यों नहीं करती? हाँ तो करती हूँ मेहनत। ये मेहनत कर कर के मर मर के सारे मजमून पास कर लिए मैंने, सिवाय रियाजी के। तो जब सब में मेहनत की थी तो रियाजी में भी कर लेती, पहाड़े आदमी होते मुझसे। अच्छा मैथ्स में ये बेकार है, मैथ्स में वो अच्छा है। अब इम्तिहानों में मेहनत कर लेना और मैट्रिक पास कर लेना अपना। सरकारी स्कूल है, पढ़ती रहूंगी। तुम्हारा क्या जा रहा है? पढ़ना आता होता ना तुझे तो जरूर पढ़ने देती। आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आप भी। थैंक यू। ठीक है, शादी के लिए? ओ आंटी, आपका बेटा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने अब्बा पे गया होगा। हो। जैसे मैं अपनी अम्मा पे गई हूँ, सब यही कहते हैं। कलर पे कितना पढ़ा तुमने? अरे मैं पूछ रही हूँ कहाँ तक पढ़ा है। मेरे माथे पे क्या देखे जा रही हो? क्या देख रही है? ये क्या देख रही है? देखो मेरी तरफ। जू? क्या जू? ओ ये ची, ऐसे कौन करता है? आँख मारते। ओ अम्मा, अम्मा पता क्या हमारी उस्तानी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि माजबीन अम्मा से कहना कि तुम्हारी शादी करवा दे। मोहल्ले में ख्वार करवाएगी क्या? अरे तुझसे पहले तो तेरी बोंगियों के किस्से पहुंच जाते हैं। चप्पल से मार खाएगा तुझे। यहाँ पर भी गुटका चाहिए, थोड़ा सा सबर नहीं है? अलग लड़का लेके आए हैं। सही में अम्मा, ये मूड़ा किसने रखा था? मेरी शादी कभी मत होने देना।
ये खुद नहीं करना चाहती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तेरा होगा क्या। कसम से मैं कुछ भी उपटांग नहीं बोलूंगी, कभी भी कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी पढ़ाई से जान छुड़वा दें। बच्चों ने सबको यही होता है, फिर बड़े होके लगता है यार वो टाइम ही सही था। मैडम ये ऑफिस के बिल पे हो गए थे और घर के कुछ क्रेडिट कार्ड्स के बिल आए, ये आप देखना चाहें। मुझे जी जी लगता है अब्दुल्ला अपने इम्तिहान फिर फेल कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी में कहीं छुपा हुआ है अब। अब बेफिक्र है, मुझे मालूम है छोटे साहब इस वक्त कहाँ होंगे। बेचारा गार्डन में अकेला घूम रहा है बेचारा पाप, और ऊपर से इसके पापा भी ऐसे ही है ना। अम्मा है हमारी ना स्कूल में जो जमादार नहीं है वो लड़कियों के हाथ देखती है। अरे हाथ देख के क्या कहा था? क्या क्या उसने कहा था? माजबी तेरी शादी शहजादे से होगी। पढ़ाई कोई फारिग तरीन शहजादा होगा जो तुझसे ब्याह रचाएगा, है ना। जा जाके यूनिफॉर्म बदल ले, हो सकता है अगले साल फिर काम आए। और इस दफा इम्तिहानों में मेहनत कर लेना, खुदा का तुझे वास्ता है मैट्रिक पास कर ले। तो मैं मैट्रिक तो पास कर ले फिर शादी कर ले। फ्रिज में रखा रिश्ता अभी निकाल के दू। बेचारी को शादी है, कितनी एक्साइटमेंट है, है ना। अभी तक 10th क्लियर नहीं हुआ उसका। पर एक्चुअली यार क्यूटेस्ट एक्ट्रेस है एक्चुअली। सीरियसली मैं क्या यूनिफॉर्म बदल। माचबीन कानों को भी आराम चाहिए होता है। ये बच्चों ने मेरी मम्मी मेरे को कहा करती थी कि मैं बहुत सवाल करता था। एक सवाल तो है, पूछ 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 पूछ। अब और है क्या यार, जो जमादारनी है ना वो सबका सच्चा सच्चा हाथ देखती है, जिसका वो बताती है ना वो लड़की पास हो जाती है। माचबीन तू जाती है या मैं बताऊं? क्या पता इस बार वो सही में सच हो। वो वापस आ गई। मैं तो सिर्फ बैग रखने के लिए आई थी। वो अम्मा वो मैं कह रही थी कि वो जो टीवी है ना वो बनवा दो। यार मैं चाहूंगा इंडियन मूवीज के अंदर आए युमना सैदी। हो ऐसे पूछा है उससे बेचारे से। एक छोड़े फेल होने को फुल मार्क्स। फुल मार्क्स में फुल मार्क्स आएंगे तो पार्टी पक्की। मैं और आप आइसक्रीम खाने चलते हैं। फेल भी तो हुआ हूँ। अरे बहुत सारे लोग फेल होते हैं लेकिन मैथ में फुल मार्क्स कोई नहीं लाता ना। सही बात है सही बात है। जी जी मुंशी जी फरमाइए। बेगम साहिबा छोटे साहब मिल गए हैं और हम लोग पास होने की खुशी में आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। माशाल्लाह कितने सब्जेक्ट्स में? जी जी माशाल्लाह मैथ में फुल मार्क्स। और बाकी सब्जेक्ट्स? वो मत पूछिए। पहले हम आइसक्रीम खाएंगे फिर फूफो के घर जाएंगे फिर घर वापस आएंगे। हाँ हेलो। हेलो बेटा। बेटा घर क्यों नहीं आ रहे तुम? हाँ वो मैं डैड से बात कर लूँगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आई प्रॉमिस। घर आ जाओ। पर यार इतना टैलेंटेड लड़का है गलत जगह भेज रखा है इसको। हाँ ना। सीमा बहन अपने पोस्ट में डाल रही है। अल्लाह खैर। अब क्या करेगी, अब कैसे नीचे रखेगी? पकड़ा है यार। तो मैं कब कह रही हूँ कि मेरे यार कह रही हूँ रख लिए थे अपने पास। 50 रुपए कम है इसमें। अरे यहीं कहीं होंगे। ये रहे तुम पास हो गई? हाँ कब का? सिर्फ पास नहीं हूँ फर्स्ट आई हूँ मैं। हैं वो तो तुम हमेशा ही कहती हो। आप मेरी फिक्र छोड़ें अपनी बेटी की खैर मनाएं। ऐसे स्कूल में से ना ऐसे मुंह लटका के निकल रही थी पता नहीं क्यों, और चलते चलते तुम्हारे साथ मैट्रिक तक पहुँच गई। तुम वहीं की वहीं हो। सलामुअलैकुम सबात भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ये कह रही है मैं फर्स्ट आई हूँ। आई ना जाइए फर्स्ट। एक तो बेवकूफ ऊपर से झूठी। भाभी चाय तो पियोगी ना? हाँ हाँ। सीमा इसे समझाओ, पराई घर जाएगी झूठ बोलेगी तो ऐसे कैसे चलेगा? स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं इसको। कोई खुदा का बंदा इसको लेकर तो जाए, मेरी तो रात की नींद ही उड़ गई है। तुम इसे कल पार्लर ले जाओ, अच्छा सा तैयार करवाओ। कुछ दिन पहले ही तो लेकर गई थी मैं इसे। कितनी सुंदर तो है। इतना इतना सुंदर है। अपनी बेटी को ले दो तुम। इतनी वियर्ड आंटीज आके बोल के जाती है ना, समझ नहीं आता। अच्छा ले जाऊंगी वहां पे। वरना पिछली बार की तरह नीले नीले आईशेड लगाकर खड़ी हो गई थी उनके सामने। मैं ले जाऊंगी। चाची आपकी फीस ले। आपकी तो है ये पैसे? आपके नहीं नहीं मेरे नहीं है। माचबी रख के पैसे रख, और छीनूंगी तुझसे, शर्म नहीं आती? ऐसा अदा करते? अरे बड़ी कहां
27 की तो हूँ मैं। अरे अलग चुप जाता है। जिसमें 50 साल की यतीम औरतों को 25,000 से 30,000 रुपए महाना मिल रहे थे, आपका तो बड़ा नुकसान हो गया। अरे मैंने तो रमजान के दिन हटा के बताए थे। ये अलग आंटी है ये, पैसों के लिए बदल जाती है, है ना? कुछ तो बोलो अब्दुल्ला। पहलो क्यों और क्या? नहीं कोई बात नहीं ना, असल इम्तिहान तो जिंदगी का होता है, उसमें पास होना चाहिए। उसमें कौन सा पास हो रहा हो, तो उसमें भी फेल ही हो रहा हूं मैं, कौन सी कोई अच्छी चीज कर रहा हूं? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? अभी अभी जिम के लिए निकली है। अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व होने लायक नहीं है। प्रॉब्लम है शान से प्रॉब्लम है। मेरी क्लास में पढ़ती है। ओ पसंद है इसको? आई लाइक हर। क्या तुमने उसे बताया है कि तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, वो मजाक उड़ाती है। हिम्मत ही नहीं हुई। उसे पता कैसे चलेगा? पढ़ो मत। अरे नहीं, वो रोस्ट करेगी। यस। वो रोस्ट करेगी। हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं बात करूँगा उससे। एक बात बताओ, फोन नंबर है उसका? हाँ, है। There you go। अब मतलब बात करेगा? वाह। यस। फोन पे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो वहाँ किसी और के साथ? ओह हेलो, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। बहुत वियर्ड है लड़की। हेलो, हाय, इट्स मी। यस आई नो इट्स यू। तुम्हारा नंबर सेव है मेरे पास। क्या हुआ इतनी रात को कॉल की? मैं टिकटॉक बना रही थी यार। सीधा पहले कॉल में बात, बहुत बहुत जरूरी बात है वैसे, तो तुम माइंड तो नहीं करोगी? नहीं नहीं प्लीज गो अहेड। क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मुझे डर लग रहा है आगे जो होगा। आई लव यू। व्हाट, आर एन इडियट मैन। ओ मत उठा, मत उठा, तेरे गालियां पड़ेगा। ये क्या? अच्छा सपने। अच्छा सपने। आई लव यू टू। ऐसा नहीं हो रहा। विद्यार अब्दुल्ला कितना क्यूट। ओह नो। जी जी डॉक्टर चिरट लॉन में आना। अब इसके डैड जो डांटेंगे ना इसको, तब पता लगेगा। बोल 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 आई डैड। हां क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का? फेल। मैथ्स में पास हो गया हूं, मेरे फुल मार्क्स मैथ्स में। आई विल ट्राई दैट नेक्स्ट टाइम। ये होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, है ना? जवाब दो कब? यार कितना, कब तुम मेरा बोझ बांटोगे? ओए कब सहारा बनोगे मेरा? मैं थक गया हूँ, थक गया हूँ मैं। तो जिस चीज में अच्छा है उसको करवाओ। लूजर बोल रहा है अपने बेटे को। इस बार एग्जाम्स में मैं वो टाटा पक्का बना। क्या तुम्हारे पास कोई जादू का चिराग आ गया? क्या नया तीर मारोगे तुम? साइन द डैम पेपर्स। कौन से पेपर? चीज के? वो तो पूछ भी नहीं रहा क्या पेपर है। कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो सर्वर आखिल साहब। ये कौन है? क्या सब कुछ अपने ही नाम करवाओगे? अच्छा वो अपने नाम कर रहा है, ये कैसा बाप है? और हाँ जब तक मैं रूम में हूँ हम बच्चे और हमारी माँ के अलावा कोई ना हो। चुप चुप चलो ना यार, रूम में चल। ओ यार वो लड़का जो है वो अपने बाप को बस इम्प्रेस करने में लगा, उसका बाप एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको। बेटा देखो हमारे अब्बा आए होंगे, दरवाजा खोलो। वो टीवी देख रही है। और हमारे घर में ऐसा क्या है जो कोई डाकू आ जाएगा? अब्दुल्ला आया है, अब्दुल्ला चिकन कढ़ाई करा दे। अच्छा अब्दुल्ला को जानती है? रिजल्ट आया होगा ना, इसलिए अब्बा दिल बहलाने के लिए आए। कौन रहा है? हाँ तो यही तो होता है, सच्ची तो कह रही हूँ। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, कुछ और चाहिए तो बताओ।
हाँ वो कढ़ाई के लिए मुर्गी ले आइएगा। नीचे आ जाओ बेटा, छोटे साहब आए हैं, कोई माँ के साथ हाथ बटा दो, कोई काम कर लो। काम ही तो कर रही हूँ। ये देखिए काम ही कर रही हूँ, और बड़ा आदमी है, कोई कंकर शंकर आ गया ना मुंह में तो आपकी तनख्वाह से पैसे कटेंगे। ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जी। छोड़ें छोटे साहब इसे, मैं आता हूँ। ये अलग पटाखा है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। ये ना छोटी बच्ची है। क्यों? और कोई कैसे मान सकता है ऐसे किसी से? और वो देगा क्यों? इनकी कोई दोस्ती वोस्ती है? शायद वो काउंट कर रही होगी उसके पास 100 रुपए कम आ गए होंगे इसलिए। और मेरे को लग रहा है इसको 100 के अलावा कुछ और चाहिए। मुझे पैसे क्यों दे रहे हो तुम? मुझे पैसे क्यों दे रहे हो तुम? साहब पहले ही बहुत बिगड़ी हुई, और ना बिगाड़े, खर्ची की आदत ना डालें। करती थोड़ा देर। इसको लगा। ये दोनों बहुत क्यूट कपल है यार। अच्छा उसको बिठाना था, देखा उसको 100 रुपए नहीं चाहिए थे। क्यूट, बहुत क्यूट है ये दोनों, बहुत ज्यादा। पास हो गए तुम पास हो गई? फर्स्ट टाइम हो गई क्योंकि मेरा रिश्ता आ रहा है डॉक्टर का। फिर मैं किताबों से और किताबें मुझसे बहुत दूर, पढ़ाई से छुट्टी। मैं तो तुम्हें भी एक मशवरा दूंगी, जब पढ़ाई ना हो रही हो ना तो फौरन शादी कर लेनी चाहिए। और वो सहेली जो आपसे अच्छी तरह बात नहीं करती ना क्लास में, इज्जत देती है, मुंह देखती है। ये उससे इज्जत दिलवाने के लिए शादी ना कर ले? पर मैं तो बॉय हूँ ना, मैं कैसे कर सकता हूँ? वैसे अगर तुम घर होते ना तो तुम्हारे भी यही मजे होते। मुझे क्या, मेरी तो शादी हो रही है, मैं तो चली जाऊंगी डॉक्टर के घर। अब्दुल्ला चावल चुनने आते तुम्हें? हो अपना काम करवा रही है और इस वक्त चावल चुनाएगी तो आता क्या? एक तो फेल हो के आगे, ऊपर से कोई काम भी नहीं करेगा। काम कर, चुनना सीखो। क्या है ये लोग? अरे छोटे साहब क्या बोला तूने? ना काम करना तो बावला। पता नहीं ये बढ़िया है। पता नहीं बहुत ही फनी ड्रामा है सीरियसली। और यमुना इतनी ज्यादा क्यूट है। अगर हम बात करें महजबीन की और अब्दुल्ला की, वो दोनों ही बहुत क्यूट है और दोनों ही ऐसे जैसे बच्चे होते हैं छोटे। और जो यमुना है उसका करेक्टर ऐसा है कि जो उसके दिल में आता है वो बोल देती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या फील हो रहा है। उसने जिस हिसाब से बोला, एक तो फेल होकर आगे और अब चावल भी चुनने नहीं आते, बावला कहीं पर, वो इतना ज्यादा फनी था। पर अब्दुल्ला को उस चीज का बुरा लग गया और वो चले गया। और नहीं, लेकिन हम लोगों ने ना पिछले कुछ पार्ट्स देखे तो उसमें ऐसे लग रहा था कि जो अब्दुल्ला के पापा है और यमुना है, शायद उनका कुछ होएगा, लेकिन मे बी उनको वो यमुना पसंद आ गई होगी अब्दुल्ला के लिए। कुछ ऐसे भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने देखा ही था कि यमुना को, मतलब कि वो यमुना के पापा उसको ऑफिस ले जाते हैं यमुना को अपने साथ, और वहां पे उनके बॉस उसको लाइक करते हैं। कुछ ऐसा तो होता ही है, बाकी वो तो अगले एपिसोड में पता लगेगा। और ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और यमुना इतनी क्यूट लग रही है इसमें इतनी ज्यादा। और जिस हिसाब से पूछते हैं ना उससे कि आप पास हो गई? हाँ मैं तो पास हो गई, और सबको वो झूठ बोलती रहती है कि मैं तो पास हो गई। और वो कहते हैं ना बेफिक्र है, किसी उसको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, तो इसमें उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी पोर्ट्रे कर रही है। और वो इतने प्यार से हर चीज को डील कर रही है, और वो फनी हो रहा है इतना ज्यादा देखने में भी, क्योंकि और द गुड थिंग इज कि यहाँ पे ना टाइम दिया गया है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं बहुत कट टू कट सीन्स होते हैं, एक सीन खत्म होता है दूसरा आता है, यहाँ पे वो सीन को टाइम दिया गया है, उसको वो फन करने दिया गया है जो वो चीजें कर रही है। वो अब्दुल्ला के साथ जो लास्ट वाला पार्ट था ना वो बहुत ज्यादा फनी था, उसको ऊपर बुलाना, अपने बाजू में बिठाना, फिर उससे ही चावल जो है पूरे क्लियर करवा रही है, एंड फिर उससे वो पैसे नहीं ले रही है, उसको पूछ रही है, और जिसको जो उसको पूछे कैसा रहा, फेल हुई कि नहीं, मैं तो पास एकदम बहुत टाइम से पास हो गई हूँ और मैं तो उससे आगे बढ़ चुकी हूँ। तो मेरे को देखना होगा इसका आगे पूरा शादी का प्रोसेस कैसा होता है। तो आप लोग ऐसा लगा हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।